थोड़ा मेरी बात समझने की कोशिश करो बेटा। अगर इसी तरह तुमने किंजा को अपने हवासों पे सवार कर लिया ना, तो ये सब कुछ कैसे होगा? मैं तुम्हारी वजह से बहुत परेशान हूँ। मामा, मैंने अपने हवासों पर नहीं, बल्कि तैमूर ने अपने हवासों पर सवार किया हुआ है किंजा भाभी को। बेटा, एक बार तुम शादी होकर वहाँ चली जाओगी तो सब कुछ संभाल लेना ना। मामा, आप तो मुझे अंडरस्टैंड करें, तैमूर को मेरी पसंद की कोई परवाह ही नहीं है। मेकअप हो, शॉपिंग हो, ड्रेसेस हो, हर चीज में सिर्फ भाभी की पसंद, हर वक्त किंजा भाभी, किंजा भाभी। जारा, वो उसकी भाभी तो है लेकिन बड़ी बहन के बराबर है। खुदा के लिए अपने दिल में उसके लिए जगह बनाओ, अपना दिल बड़ा करो। लगता है तुम्हारा मूड बहुत खराब है। तैमूर से कोई झगड़ा हुआ है? बिल्कुल, आप दिल से तो यही चाहती है ना कि हम दोनों के दरमियान कोई दरार डाल दे ताकि सब कुछ खत्म हो जाए। बहुत टाइम से नोटिस कर रही हूँ, बहुत टाइम से नोटिस कर रही हूँ, कितने खूबसूरती से आप अपने मोहरे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपने तो अपने से सारी कोशिशें कर ली, लेकिन वक्त आने पर मैं आपकी सारी बसात उलट दूंगी। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं तुम्हारी दुश्मन हूं। मैंने कहा ना कि मुझे सिर्फ जारा से अकेले में बात करनी है। तुम्हें इतनी अकड़ किस बात की है? अभी तुम्हारा कोई हक नहीं है। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि शादी से पहले तुम्हारी हकीकत तुम्हारे सामने आ गई, वरना मेरी बहन कहीं की नहीं रहती। मैंने कुछ नहीं किया है। मैं जानता तक नहीं हूँ उस लड़की को मेरे पे इल्जाम क्यों लगा रही है। समझ क्यों नहीं आ रही आप लोगों को यार? ये बात तुम पहले भी कह चुके हो, अभी कोई सॉलिड फैक्ट्स है तो कहो, वरना फरना फरना क्या सर? वरना मैं तुमसे शादी तो क्या, कोई भी ताल्लुक रखना खुद की तौहीन समझोगी।